मंत्री पुल जो भाखड़ा बांध बनने के बाद कुटलहर क्षेत्र दो हिस्सों में बट गया था। जब देश आजाद हुआ था तो उसमें हरित क्रांति लाने के लिए बड़े बड़े बांध जो थे बनाए गए थे, और उसमें से एक भाखड़ा बांध भी जो था वो उस समय बनाया गया था, जो एशिया का सबसे बड़ा बांध 1500 मेगावाट विद्युत जो था वो उसका दोहन जो था वो यहां से होता है। उसमें ये पंजाब का एक हिस्सा था, लेकिन तो भाखड़ा बांध पंजाब में चला गया और जो उसका कैचमेंट एरिया था उसमें से एक हिस्सा जो था वो कुटलहर क्षेत्र का था। जो भाखड़ा बांध वो एक एमओयू उसमें हुआ था कि जो लोग विस्थापित होंगे उनके लिए सड़कों का, स्वास्थ्य सेवाओं का, स्कूलों का, और साथ में ये जो दो हिस्सों में कुटलहर बंटा है, 14 में जब लोकसभा के चुनाव थे, सर प्रेम कुमार धूमल जी मंदली में एक भीड़ू जगह के ऊपर जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो लोगों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन उसमें मिला। लठैणी मंदली पुल जो है वो बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये प्रदेश। और 2016 में आदरणीय नितिन गडकरी जी जो थे वो हमीरपुर में आए, जहां उन्होंने उन्होंने 50 करोड़ रुपए जो था वो हमारे लिए स्वीकृत किया। लेकिन एक मिसिंग लिंक था, जहां पर लठैणी मंदली से भीड़ू के बीच में जहां पर पुल बनना था उसके लिए उन्होंने अलग से जो थी वो घोषणा की, और 50 करोड़ रुपए आया। आज बढ़िया सड़क नेशनल हाईवे की बनकर के वहां तैयार है। लेकिन ये जो एक पुल का था ये प्रोसेस जो था वो जारी हो गया। आदरणीय अनुराग जी के नेतृत्व में हम नितिन गडकरी जी से 2-3 बार मिले, मैं एक बार अकेले भी उनसे मिला। उन्होंने बजट में इसका प्रावधान किया, इसकी डीपीआर बनी, 3 डीपीआर जो थी वो उसकी बनाई गई, और अब उसकी लैंड एक्विजिशंस का काम जो है वो पूरा हो गया है। इस करके आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हम नितिन गडकरी जी से मिले कि जल्दी से हमें इस के लिए जो है वो धन जो है वो स्वीकृत करवाया जाए। जो डीपीआर बनी है, जो फाइनल हुई है, वो करीब 900 करोड़ रुपया जो है वो उसके ऊपर खर्च होगा। जहां लठैणी से 4 किलोमीटर उस तरफ और 2-4 किलोमीटर इस तरफ बीड़ू की तरफ 4 लेन भी जो है वो साथ में बनेगा, और उसके ऊपर 900 करोड़ रुपए खर्च होगा। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जो है वो इसकी सैद्धांतिक रूप से जो है वो स्वीकृति दी है कि जल्दी ही इसके लिए धन जो है वो मुहैया करवाया जाएगा। मैं कुटलहर की जनता की तरफ से, आदरणीय अनुराग जी का, नितिन गडकरी जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है इन्होंने दिल खोल करके जो है वो हमारे लिए जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो स्वीकृत करवाए हैं। और उसमें से ऊना जिला के लिए ही मैं कहूं तो पीजीआई का 500 करोड़ का सैटेलाइट हॉस्पिटल, एमसीएच जिसके ऊपर 20 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ है जो बन करके तैयार है, इसके साथ गगरेट को जोड़ने वाला 45 करोड़ रुपए का पुल, और फिर 2 केंद्रीय विद्यालय, एक बंगाना के लिए, एक सुलो के लिए, और साथ में अभी हाल ही में वर्ल्ड ड्रग पार्क जिसमें 1000 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल को मिलना है एक छोटे से राज्य के लिए, और वो भी ऊना के लिए, और 225 करोड़ रुपया जो है वो उसके लिए स्वीकृत करना, और अब लठैनी मंदली पुल के लिए जो है वो 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय अनुराग जी के प्रयासों की जो है वो इसके लिए सराहना करता हूं। और मैं इससे जो है निश्चित रूप से जो हमारा एक विजन है कुटलहट के लिए कि एक आत्मनिर्भर कुटलहट जहां पर्यटन अपार संभावनाएं हैं इसकी और इसके बाद जो है वो पर्यटन और बढ़ेगा और उसके लिए साथ में कृषि और बागवानी के लिए और पशुपालन में हम कुटलहड़ को एक आत्मनिर्भर बनाएंगे। हालांकि प्रदेश के अंदर सरकार नहीं है लेकिन इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो हमारे प्रयास जो है वो जारी रहेंगे। और मैं ये कहूंगा कि इसे पर्यटन जहां बढ़ेगा वहीं पर क्षेत्र के अंदर जो है वो एक उन्नति के जो है नए मापदंड जो है वो खड़े होंगे और यहां से इसके बनने से जो है जहां हमीरपुर बिलासपुर कुल्लू मनाली तक भोटा से लेकर के ऊना तक 18 किलोमीटर का सफर भी जो है वो इसमें कम होगा। मैं एक बार पुनः इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर पिछले साल यहाँ पर दो दिन पहले कांग्रेस की रैली में कुटलहड़ के विधायक का कहना था कि ये जो लठियाणी मंदिर पुल है इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट जो है यहाँ पर। देखिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन आपने इस विषय को उठाया है, ये तो उसमें कहना शुरू कर दिया जब इस ओथ तक नहीं ली थी, विधायक निधि तो विधायक को मिली नहीं लेकिन लठियाणी मंदिर पुल के लिए 900 करोड़ लिया है, ये एक आश्चर्य का विषय है। लेकिन ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, हमने निरंतर प्रयास किए हैं और एक लंबा प्रोसेस होता है 900 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट जो है वो स्वीकृत करवाने के लिए।